नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। एव मुक्तस्तु रामेणे सौमित्रिः पुनरब्रवीत तृप्ति आश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप। राम ने महाराज नृग की कथा लक्ष्मण को सुनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप इतनी उत्तम कथाएं हमें सुना रहे हैं कि आश्चर्यजनक इन कथाओं को सुनकर के मुझे तृप्ति ही नहीं मिल रही है, अच्छा तब और कथाएं सुनाइए। देखिए, कथाओं का तो यही होता है, अगर कोई उत्तम वक्ता है तो सुनने वालों को अत्यंत आनंद आता है, और वो आनंद ऐसा होता है कि जिसको कभी पूर्ण करने की इच्छा ही नहीं होती है। यही सोनकाद 88,000 ऋषियों के साथ होता है। वो नैमिषारण्य में बैठे होते हैं और सूत जी कथा सुनाना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक कथाएं चलती रहती हैं। लक्ष्मण भी यहाँ राम से कहते हैं कि आपने ये जो कथा मुझे सुनाई उससे मुझे अत्यंत आनंद हुआ है, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति नहीं मिली, इसका अर्थ ये होता है कि आप और कथा हमें सुनाइए। अब ये संदर्भ ये चल रहा था कि अगर कोई राजा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है या वो कोई भूल करता है तो उसका परिणाम उसको हमेशा ही भोगना पड़ता है। महाराज नृग को श्राप मिला और वो एक गिरगिट बन करके और हजारों वर्ष तक उनको एक अंधे गड्ढे में पड़ा रहना पड़ा है। आगे एक और कथा सुनाते हुए कहते हैं, आसीत राजा निमिर नाम इक्ष्वाकुणाम महात्मनाम पुत्रो द्वादश मो वीर्य धर्मे च परिनिष्ठितः। भाई सूर्यवंश के एक राजा हुए इक्ष्वाकु, और उनके बहुत सारे पुत्रों में 12वें नंबर का पुत्र जो है वो निमि नाम का पुत्र हुआ। यानी इक्ष्वाकु महाराज का 12वां पुत्र जो निमि हुआ वो बड़े ही वीर्यवान थे, धर्मनिष्ठ थे, सब बातें थी। पिता से अलग हुए और उन्होंने पुरस्य सुकृतम नाम है वैजयंत मिति श्रुतम, उन्होंने वैजयंत नाम के एक नगर की स्थापना की। देखिए, एक राजा के बहुत सारे पुत्र होते हैं अगर तो सभी एक राज्य का उत्तराधिकारी तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसी सूर्यवंश की परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था, तो निमि तो 12वें नंबर के पुत्र थे, इनको सूर्यवंश का तो उत्तराधिकार मिल नहीं सकता था। ऐसे में इन्होंने स्वयं अपने लिए एक नगर की संरचना की है, उस नगर का नाम रखा गया है वैजयंतम। बड़ा ही सुंदर नगर है, लेकिन राजा लोगों के उत्तम नगर, उत्तम सभा और इन सब से उनको संतुष्टि नहीं मिला करती थी। उनको तो संतुष्टि इसी से मिलती थी कि जब वो कोई महान यज्ञ करें, उस यज्ञ में सभी लोग आएं, तभी संतुष्टि मिला करती थी। देखिए, आपके पास कितना भी धन है, कितना भी वैभव है, आप कितने भी समृद्ध हो जाएं, लेकिन जब तक आप परोपकार नहीं करते हैं, जब तक आप दूसरों के लिए कार्य नहीं करते हैं, तब तक सब व्यर्थ रहता है। इसलिए यहाँ पे महाराज निमि जो वहाँ के राजा हुए, उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं एक यज्ञ करूँगा, और यज्ञ भी कैसा करना है, बड़ा ही लंबा। यजेयम दीर्घ सत्रेण पितु प्रहलादयन मम, मेरे पिता के मन को आनंद हो, अपने पिता को प्रसन्न करना है तो मेरे पिता के मन को आनंद हो ऐसा दीर्घ सत्र यज्ञ मुझे करना है। दीर्घ सत्र का अर्थ होता है जो बड़े लंबे समय तक चले, ऐसा यज्ञ मुझे करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कथानक कुछ इस प्रकार से है, या मैं जो संभावना समझता हूं वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर राजा का कोई एक पुत्र अलग से अपने राज्य की स्थापना करता है तो ये पिता के लिए कहीं ना कहीं आनंददायक घटना होनी चाहिए, लेकिन आनंददायक घटना नहीं होती है। राजा के रूप में अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपका पुत्र किसी अन्य स्थान पर जाकर के तरक्की करे तो आपको उसमें कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो अन्य स्थान पर जाके भी जब आप राजा बनते हैं तो राजा के रूप में मेरे हिसाब से कुछ पीड़ाएँ हुआ करती हैं।
इसलिए मैं राजा बना हूं और मैं राजा बिल्कुल जैसे आपके गुणधर्म हैं, जैसे आप प्रजा का पालन करते हैं, जैसे आप प्रजा के बारे में सोचते हैं, इसी प्रकार से मैं सोचता हूं। इस प्रकार की कुछ विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए महाराज निमि ने ये निर्णय किया है कि मेरे पिताजी को जिससे आनंद हो ऐसे दीर्घ शत्रु यज्ञ का मुझे आयोजन करना है। तथा पितर मामंत्रे इक्ष्वाकुं हि मनोसुतम वशिष्ठम वर्यामासे पूर्वम ब्रह्मर्षि सत्तमम। अब अपने पिता को उन्होंने बुला लिया है कि आप आ जाइए, हम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इक्ष्वाकु ये मनु के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु आ गए। अब इक्ष्वाकु आए तो उसी कुल परंपरा से सूर्यवंश के गुरु हुआ करते थे वशिष्ठ, तो वशिष्ठ को भी उन्होंने आमंत्रण दिया कि गुरुदेव आप भी आइए और हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करवाइए। अब उस यज्ञ में वशिष्ठ के साथ साथ अत्रि अंगिरसश्चैव भृगुमचैव तपोनिधिम, अत्रि अंगिरा भृगु बहुत सारे ऋषि हैं जो वहां पे आए हुए हैं। लेकिन वशिष्ठ मुनि उनसे ये कहते हैं, तमुवाच वशिष्ठ तू निमिमराजर्षि सत्तमम व्रतोहम पूर्वम इंद्रेण अंतरम प्रतिपालय। भाई इंद्र ने स्वयं मेरा वरण किया हुआ है एक यज्ञ के लिए, इसलिए जब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, हम उसके बाद ही आपके इस यज्ञ को प्रारंभ कर पाएंगे, ऐसा वशिष्ठ कहते हैं महाराज निमि से। वशिष्ठ जी तो चले गए इंद्र के यहां यज्ञ करवाने के लिए। पंचवर्ष सहस्राणि राजा दीक्षा मथा करोत, तो 5000 वर्ष की महान यज्ञ की दीक्षा इन महाराज निमि ने ली है। लेकिन समस्या ये है कि वशिष्ठ मुनि अभी उपलब्ध नहीं है, वो गए हैं देवराज इंद्र के यहां यज्ञ करवाने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने वशिष्ठ की अनुपस्थिति में सकाशमागतो राग्रो होत्रम कर्तुम अनिंदितः तदिंतर मयापस्य गौतमेनाभिपूरितम्। जो गौतम ऋषि हैं उन गौतम ऋषि को अपना ऋत्विज बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण करवा लिया, उस यज्ञ को शुरू करवा दिया। 5000 साल तक लंबा चलने वाला यज्ञ, और सब ऋषि तो थे, गौतम ऋषि को मुख्य ऋत्विज बना दिया वशिष्ठ के स्थान पे, यज्ञ पूर्ण हो गया। इधर वशिष्ठ मुनि जो हैं वो इंद्र का यज्ञ पूर्ण करने के बाद जब आकर के पहुंचे और उन्होंने देखा कि गौतम को ऋत्विज बना करके और इन्होंने ये पूरा यज्ञ पूरा करवा लिया है, तो राजा से उनको कुछ कहना था। कोपेन महाता विश्व वशिष्ठो ब्राह्मण सुतः सराग्नो दर्शनाकांक्षी मुहूर्तम समुपाविश। तो इसलिए वो मुहूर्त भर वहां रुके कि वे महाराज आए और मुझसे मिले। लेकिन हुआ ये कि निमि महाराज जो हैं वो यज्ञ पूर्ण हुआ था, आज ही उसकी पूर्णाहुति हुई है, अभी तो दक्षिणा वगैरह भी देनी बाकी हैं, या जो बाकी की विधियां हैं वो तो अभी पूरी हुई ही नहीं है, लेकिन आज उनको विश्राम करने का अवसर मिला, तो वो ऐसे सो गए कि महर्षि वशिष्ठ जब उनसे मिलना चाहते हैं तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से वो मिल नहीं पाते हैं। ततो मन्युर वशिष्ठ से प्रादुरासीन महात्मना, फिर तो वशिष्ठ मुनि का क्रोध जो है वो पराकाष्ठा पे पहुंच गया। एक तो मेरी जगह गौतम को ऋत्विज बना करके यज्ञ करवाया और ऊपर से जब मैं मिलना चाह रहा हूँ तो मुझसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो अदर्शनेन राजर्षे व्याहर तुम उपचक्र में। जब इस प्रकार से उन्होंने दर्शन नहीं दिए तो वो कहते हैं चेतनेन विना भूता देहस्ते पार्थिव स्थिति। अरे जब तुम दर्शन ही नहीं देते हो तो दर्शन शरीर देता है, तो तुम्हारा ये शरीर जो है वो निष्प्राण हो जाए, क्योंकि तुम दर्शन नहीं देते हो तो तुम्हारी आत्मा कहीं भी विचरण करेगी लेकिन वो शरीर के अंदर नहीं आ पाएगी, वो शरीर आपका निश्चेतन हो जाएगा। अब विचार कीजिए, बिना शरीर की आत्मा तो हमारे यहाँ तो भूत प्रेत मान लिया जाता उसको है, तो निशरीरी होने का उन्होंने शाप दे दिया महाराज निमि को। तो महाराज निमि तो निशरीरी हो गए, लेकिन अज्ञानतः सयानस्य क्रोधेन कलुषीकृतः उक्तवान् मम शापाग्नि यमदण्डेमि वापरम्। जब महाराज निमि को ये पता चला तो उन्होंने कहा यार मैं तो सो रहा था,
मेरे मन में ऐसी कोई भावना तो नहीं थी कि मैं गुरु वशिष्ठ से ना मिलूं, लेकिन फिर भी जिस चीज का मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ कि आप मुझसे मिलने आए हैं, और फिर भी उस चीज की सजा ब्रह्म शाप दिया है, यम दंडे मिवा ब्रह्म। और ब्रह्म का शाप यानी ब्राह्मण का शाप तो कैसा होता है, जैसे यम का दंड पड़े इस प्रकार का होता है, और वही दिया है, मृत्यु का शाप दिया है, मतलब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, शाप तो वही है। इतना अंतर है कि शरीर मरता है तो आत्मा भी चली जाती है, लेकिन यहां शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा वही भ्रमण करती रहेगी, इस प्रकार का शाप मिला है। तो महाराज निमि को भी गुस्सा आ गया कि आपने जिस प्रकार से मुझे शाप दिया है, तस्मात् तवापि ब्रह्मर्षे चेतनेन विना कृतः। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार से मेरा शरीर चैतन्य के बिना का होगा, उसी प्रकार से देहा सचुर प्रख्यो भविष्यति न संशया, उसी प्रकार से आपका भी शरीर, यानी जो शाप आपने मुझे दिया है, सेम टू यू आज की भाषा में कहा जाए, यानी उसी प्रकार से आपका शरीर भी चेतना रहित हो जाए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों के शरीर पड़े हुए हैं और दोनों के शरीर बेकार हैं, क्योंकि आत्मा उसमें प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, और आत्मा प्रवेश नहीं करे तो शरीर तो फिर चलता नहीं है, कोई काम ही नहीं कर सकता। निक्षिप्य देह काकुत्से कथम तुम द्विजी पार्थिव पुनर्देह न संयोगम जगमतुर्देव सम्मत। अब कथा तो यहाँ इतनी कही गई, लेकिन बीच में लक्ष्मण जी पूछते हैं कि अगर दोनों के शरीर नष्ट हो गए तो फिर उनने किया क्या। तो प्रभु राम आगे उस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, वायु भूतो तपोधनो, दोनों वायु स्वरूप हो गए हैं, यानी जिसको कोई देख नहीं सकता। वायु का क्या होता है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका सिर्फ स्पर्श तो होता है लेकिन जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है। यानी महाराज निमि और वशिष्ठ ये दोनों किसी का स्पर्श तो कर सकते हैं, वो इनको महसूस तो कर सकता है लेकिन इनको कोई देख नहीं सकता है, इस प्रकार की दोनों की स्थिति हो गई। अशरीर शरीर से कृते न्यस्य महामुनि वशिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरंतिकम। अब यार शरीर नहीं हो तो व्यक्ति करे क्या, कुछ काम ही नहीं कर सकता है। तो वशिष्ठ जो हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज ये तो बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है, और बिना शरीर के तो कैसे जिया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मित्रा वरुण के तेज से आपका पुनः जन्म होगा, लेकिन वो जन्म भी अयोनिज ही रहेगा, यानी उस समय भी आप किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। मित्रा वरुण जम तेज आविसत्वम महायशः अयोनिजत्वम भविता तत्रापि द्विज सत्तमः। देखिए योनिज और अयोनिज के अर्थ को समझना पड़ेगा। जो माता के गर्भ में रह करके जन्म लेता है बालक, उस बालक को जन्म के सारे बंधन व्याप्त होते हैं। जन्म के बंधन क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरेगा उसका जन्म भी होगा। अब यहां वशिष्ठ का शरीर तो नष्ट हुआ है लेकिन अभी भी वो जिंदा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शरीर के बिना वो किसी को स्पर्श ना कर सके। हाँ शरीर नहीं तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वशिष्ठ जी जो हैं वहीं मित्रावरों के यहां पहुंच जाते हैं, पाताल लोक में पहुंचे हैं। सूर्य उन दिनों में पाताल लोक में वरुण के यहाँ निवास कर रहे हैं, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। तमेव कालम मित्रोपि वरुणत्वम अकारयत क्षीरोदेन महापेता पूज्यमाना सुरेश्वर ही, यानी सभी देवताओं के द्वारा पूज्य उस समय भगवान सूर्य, सूर्य को मित्र कहा जाता है, और वरुण जो वरुण देव है उनका नाम है, और ये दोनों मिलकर के मित्रा वरुण ये शब्द बनता है। तो सूर्य भी वहीं उस समय रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वहाँ उर्वशी आकर के पहुँच जाती है। वरुण जैसे ही उर्वशी को देखते हैं उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। तम दृष्ट्वा रूप संपन्नम क्रीडंतीम वरुणालय
तदा विशत पराहर्षो वरुणम चोर्वशी कृते। तो उर्वशी को देख करके वरुण प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न ही नहीं होते हैं, वो अपने मन से ये निश्चय कर लेते हैं कि आज तो इसके साथ समागम किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सताम पद्म पलासाक्षिम पूर्ण चंद्र निभार नाम वरुणो वर्यामा से मैथुनाया अप्सरोवराम। उन्होंने अपने मैथुन के लिए, संगम के लिए उस अप्सरा का वर्णन कर लिया है। और जैसे ही उर्वशी से ये कहा गया है, उर्वशी ने हाथ जोड़ के कहा वरुण से कि मेरा वरण पहले से ही मित्र यानी सूर्य ने किया हुआ है, तो मैं इस समय सूर्य के पास जा रही हूं, इसलिए इस समय तो मैं आपके पास नहीं आ सकती हूं। सूर्य के प्रति सम्मान भी है वरुण का, और अपनी काम वासना को वो रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में वरुण ये कहते हैं, वरुणस्तुब्रवीत वाक्यम कंदर्प शर पीड़िता इदम तेजा समुत्सृक्षे कुंभे अस्मिन देव निर्मिते। अब मैं भी आपके कारण जो उत्तेजित हो गया हूँ, या जिसको कहिए कि मैं बिल्कुल ही आंदोलित हो गया हूँ, तो अब मैं खुद पे काबू तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ समागम नहीं करेंगे, तो मैं अपने इस तेज को इस देवताओं के द्वारा निर्मित कुंभ में, घड़े में छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद उन्होंने अपने उस तेज का आधान घड़े में किया है। एवं उत्सृज सुश्रोणी यत्त्वहं वरवर्णिनी कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम। अगर तुम मेरा संगम नहीं कर सकती हो तो भी मैं तुमको देख करके ही और अपना ये वीरोत्सर्ग करूंगा। और इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने उस देव निर्मित घड़े में अपने घड़े को, संस्कृत में कुंभ कहा जाता है, अपने वीर का निषेध किया है। इधर उर्वशी जब सूर्य के पास पहुंचती है, जाकर के थोड़ा विलंब हो गया है, तो सूर्य उनसे क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने वरुण मेरा किया, तुम वरुण के पास गई थी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो मृत्युलोक में जन्म लेके उर्वशी का क्या हुआ वो कथा, और घड़े में जिस वीर का निषेध किया उससे क्या हुआ वो पूरी कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।